हरियाणा में जाट समेत 6 जातियों को दिए गए आरक्षण पर रोक के मामले में फैसले को अगले हफ्ते तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। जाटों समेत 6 जातियों की अंतरिम रोक मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। याचिकाकर्ता ने अपनी बहस को जारी रखते हुए कहा कि अपनी आरटीआई के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो हाईकोर्ट के सामने पेश की, जिसमें उन्होंने जाटों की सरकारी नौकरियों में कितनी रिप्रेजेंटेशन है उसका हवाला दिया और साथ में आरटीआई के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कोर्ट के समक्ष पेश किया। उसके साथ साथ याचिकाकर्ता ने कहा कि जिस तरह से जो केसी सांगवान है, जो उन्होंने फिगर दिए थे जाटों के, वो फिगर्स हैं फैब्रिकेटेड है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। उसके साथ साथ दोनों पक्षों की ने अपनी बहस को पूरा किया। न्यायालय ने इस मामले में अपनी बहस पूरी कर ली है। ये बहुत सुखद बात है कि सभी पक्षकारों को न्यायालय ने अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया था। अब फैसले की प्रतीक्षा। जैसे कि आज भी उन्होंने केसी गुप्ता की रिपोर्ट को बताया कि भी उन्होंने तो जो है ना सिर्फ एमडी यूनिवर्सिटी का डाटा के बेस पे रिपोर्ट दी थी, जो कि गलत है। रिकॉर्ड के मुताबिक उसके अंदर मेन पटीशन जो है अभी जो इन्होंने डाली है उसके अंदर ही लिख के सी गुप्ता ने लिखा हुआ है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कंसीडर किया, गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट को कंसीडर किया और इसके अलावा सर शादीलाल का जजमेंट जो था कि जाट सार सुदराज उसको कंसीडर, इसलिए उनकी जो प्ली थी वो गलत। जस्टिस एस एस सारो और लीजा गिल की खंडपीठ ने जो फैसला है वो एक हफ्ते के लिए सुरक्षित रख दिया है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे जाट समुदाय ने दिल्ली को पानी की सप्लाई ठप करने की चेतावनी दी, जिसके बाद मुनक हेड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली हर रोज करीब 900 एमजीडी पानी खर्च करता है, जिसका 60% हिस्सा मुनक नहर से आता है। जब बात दिल्ली के घेराव की आती है तो आंदोलन चाहे हरियाणा में चल रहा हो या यूपी में, अल्टीमेटम दिल्ली का हुक्का पानी बंद किए जाने का दिया जाता है। एक बार फिर जाट संगठन आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। जंतर मंतर दर्शन के बाद संसद के घेराव का ऐलान हो चुका है। सरकार नहीं मानी तो दिल्ली को होने वाली वाटर सप्लाई को ठप करने की चेतावनी दे चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुनक नहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुनक हैंड पर केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस के जवान डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी हर गतिविधि पर निगाह बनाए हुए हैं। नगर के किनारे पर लगातार गश्त की जा रही है। दिल्ली के पानी की जरूरतों को पूरा करने में मुनक नहर का सबसे अहम रोल है। यही वजह है कि सुरक्षा बल कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। मुनक नहर से पानी नहीं छोड़ा जाता है तो दिल्ली में करीब 430 एमजीडी पानी की कमी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेवात में महिलाओं के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा और केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ना होगा। मेवात जिले के बिछौर गांव की सरपंच ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष जिले में यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग रखी। देश के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना बेहद जरूरी है। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के साथ साथ सशक्त भी बने, क्योंकि जब एक परिवार पर मुश्किल आती है तो सबसे पहले उस मुसीबत को परिवार की महिलाएं ही झेलती हैं। ये कहना है केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का। केंद्रीय मंत्री मेवात के बिछौर गांव के महिला सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। कि आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से सशक्त बने, क्योंकि अगर परिवार पर कोई विपदा आती है तो सबसे पहले उस विपदा को झेलती हैं परिवार की बहनें। स्मृति ईरानी ने जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया, वहीं केंद्र सरकार की उन योजनाओं का भी जिक्र किया जो महिला उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि, मेडिकल क्लेम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक योजनाएं शामिल हैं।
कि बैंक का खाता कैसे खोलना है, कौन कौन सी स्कीम्स महिलाओं के बेनिफिट की हैं, कौन कौन सी स्कीम्स से हम बच्चों के लिए फायदा ले सकते हैं, सारी जानकारी वो देंगे। एक रुपया महीना जमा कर रहे हैं, एक रुपया रोज जमा करने से, साल में 330 रुपए जमा करने से आपको क्या बेनिफिट है, ये सारी जानकारी हमारे जो अधिकारी हैं वो आपको देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए ग्रामीणों की मांग को पूरा करने का भरोसा दिया। अनिल मोहनिया, जी मीडिया, मेवात। मेवात में ग्राम सुधार कमेटी ने कई सराहनीय फैसले लिए हैं, जिससे बिरादरी के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दो बड़ी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मेवात में हुई महापंचायत ने सख्त फैसला लिया है। अब शादी में दहेज की मांग या फिजूल खर्ची करने वालों की खैर नहीं, ऐसी शादियों पर नजर रखने के लिए मेवात में ग्राम सुधार कमेटी बनाई गई है, जो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगी। कमेटी में मेंबर मौलाना साहिद अहमद के मुताबिक फिजूल खर्ची करने और दहेज मांगने वाले परिवारों को पहले तो समझाया जाएगा, अगर वो नहीं माने तो ऐसे परिवारों का पहले हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, साथ ही शादियों का बिरादरी तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। ये फैसला बिसरू रोड पर मरकंज के सामने हुई महापंचायत में सुनाया गया। शादी सुन्नत के मुताबिक करनी है, और दूसरा अहम फैसला यह है कि शादियों में जो फजूल खर्चियां थी उनको खत्म कर सादगी के साथ शादी करनी है। हाँ, इस मैटर को लेकर बात हुई है, सब ने इन्हें इरादे किए हैं कि इंशाल्लाह अब तक जो हुआ वो हुआ, अब इंशाल्लाह ना दहेज लेंगे ना देंगे। वही महापंचायत में हरियाणा के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दिल्ली के मौजूद लोगों ने भी भाग लिया। इस दौरान सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कई फैसले लिए गए। दहेज जो है कि फिजूल खर्ची है, जैसे कि नकदी देना है उस पर बिल्कुल एक रुपया भी लेना देना दहेज में नहीं रहेगा। सब ने मुत्तफिक होकर दहेज ना लेना, दहेज ना देने का फैसला किया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, हम इसका तहे दिल से मानते हैं। जो लोग दहेज मांगने और फिजूल खर्ची करने से बाज नहीं आएंगे उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मेवात से अनिल मोहनिया के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। आपराधिक मानहानि मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 29 जुलाई को पेश होने को कहा है। कोर्ट ने आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की शिकायत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में समन भेजा है। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को 29 जुलाई को पेश होने को कहा है। बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को ये समन बीते 17 नवंबर को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ओर से दाखिल अर्जी पर भेजा है। अब 29 जुलाई को केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के आरोपों के तहत कोर्ट में पेश होना होगा। बता दें कि काले धन के मामले में केजरीवाल ने हाल ही में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नाम लेते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ओर से उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। सुभाष चंद्रा जी ने क्रिमिनल डेफामेशन का केस फाइल किया पटियाला हाउस कोर्ट में 29 जुलाई को। अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन करके ये ऑर्डर किया गया है कि वो कोर्ट में पेश हों। उस दिन उनको अपनी जमानत करानी होगी और इसके अंदर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस केस में केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का आरोप साबित हो जाने और दोषी पाए जाने पर उन्हें 2 साल तक की सजा हो सकती है। आपराधिक मानहानि के मामले में केजरीवाल को 29 जुलाई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक आरोपी की हैसियत से पेश होना होगा। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन था। सदन में आज आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने का मुद्दा गूंजा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमा गहमी देखने को मिली। इस दौरान सदन में जातिवाद और क्षेत्रवाद का मुद्दा भी छाया रहा। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच इसी मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज के मुताबिक इस बार हिमाचल के चुनाव में भ्रष्टाचार अहम मुद्दा रहेगा। भारद्वाज के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया।
हिमाचल में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा प्रदेश में चुनावों वाली सियासी बहार बह रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत रफ्तार पकड़ रही है। हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने जी पंजाब नैना हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। साथ ही भारद्वाज ने कहा कि इस बार के हिमाचल के चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहेगा। हालांकि भारद्वाज की वार पर हिमाचल कांग्रेस ने पलटवार किया है। किन मुद्दों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस दंगल में उतरेगी? पिछले चार वर्षों में पूरी तरह से विकास कार्य जो है वो बंद पड़ा है। आप सड़कों की हालत देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है कोई नया प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर्स जो है वो शिमला और हिमाचल प्रदेश से कतरा रहे हैं। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। उन्होंने पिछले अपने विधानसभा का जब चुनाव लड़ा था तो बहुत सारे वायदे किए थे, वो वायदे पूरे नहीं किए हैं। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में रहने वाला है। सरकार ने जो फैसले लिए हैं उससे जो है भाजपा विचलित होने लगी है, तो इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि फैसले इतने बड़े पैमाने पे हुए हैं कि मिशन रिपीट का पूरा हवा पूरे प्रदेश में चल पड़ी है। डायरेक्ट विद दिनेश में हिमाचल बीजेपी के नेता सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश की वीरभद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अच्छे काबिल अफसरों की सुनी नहीं जाती, कुछ अफसर भी सरकार की नहीं सुनते। भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री तक को कुछ बातें पता ही नहीं होती। भारद्वाज के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। आप आरोप लगा रहे हैं जो अफसर शाही है, जो अफसर हैं वो मंत्रियों की बात नहीं सुनते। देखिए, जो जेन्युइन अफसर हैं उनकी तो आज कांग्रेस की सरकार में जो है वो कहीं सुनी ही नहीं जाती है जी। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े जो अफसर थे जी, वो सबके या तो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए अथवा उनको सुपरसीड कर दिया गया, मुख्य सचिव बना दिया गया। इसलिए जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनकी इस सरकार में कोई महत्व ही नहीं है, उनकी बात कोई सुननी नहीं जाती है। केवल मात्र जो रिटायर्ड और टायर्ड लोग हैं वही तय करते हैं कि किस विभाग में किस मंत्री को बनाना, अफसर को बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार में पूरी की पूरी जो है वो मुख्यमंत्री को भी बहुत सारी चीजें शायद पता नहीं होती हैं जो ये 5-7 लोगों की जो टोली है ये इनसे करवा रही है। लगता है बीजेपी को अपने बारे में बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेताओं की वीरभद्र सिंह जी पूरी बात सुनते हैं, और इतना ही नहीं, बात सुनते ही नहीं, समय समय पे सीएलपी की मीटिंग कॉल करके हमारे विचार लेते हैं। हिमाचल में बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लिहाजा सियासत सदन से लेकर सड़क तक पर गर्मा रही है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। उत्तर प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम गया। चुनावी प्रचार के थमने से पहले वाराणसी में आज तीसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा सियासी शो देखने को मिला। देखिए, प्रधानमंत्री किस सहज भाव से यहां पहुंचे हैं। रामनगर में पहुंचने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पर जो कार्यक्रम था उसमें शामिल होने के बाद, वहां लोगों से मुलाकात करने के बाद, अब वो यहां से रोहनिया के लिए रवाना हो रहे हैं। अपनी गाड़ी में दोबारा से बैठने से पहले वो लोगों का अभिवादन एक बार फिर स्वीकार कर रहे हैं। रामनगर की जनता लगातार उनका अभिवादन कर रही है और लगातार वो उन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो अब रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री जी के घर निवास स्थान पर जो कार्यक्रम था उसमें शामिल होने के बाद, वहां लोगों से, उस घर में कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद, अब रामनगर की जनता से प्रधानमंत्री एक बार फिर मिल रहे हैं। देखिए कितने करीब से उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों के कितने करीब से, और किसी को भी वो निराश नहीं करना चाहते। शायद यही वजह है कि उन्होंने एक बार SPG ऑफिशियल ने उनसे पूछा भी कि क्या आप अंदर बैठेंगे, तो उन्होंने इशारा किया कि नहीं, वो अंदर नहीं बैठेंगे, ऐसे ही खड़े होके और आगे जाएंगे, इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अंदर बैठने से मना कर दिया। और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी ताकतें झोंक रखी है। बीजेपी ने रामनगर में इस तरीके से प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसके हिसाब से तय किया था कि जो लोग यहाँ पहुंचे वो सब प्रधानमंत्री को एक बार देख पाए, और अब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने इस चुनाव प्रचार के आखिरी पड़ाव रोहनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने सहयोगी सदाशिव के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, रामनगर।
यूपी में आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, पोलिंग 8 मार्च को होगी। यूपी विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में करो या मरो की तर्ज पर चल रहा तूफानी चुनाव प्रचार आज थम गया। यूपी विधानसभा चुनाव की आखिरी लड़ाई 8 मार्च को है, लेकिन इससे पहले आज आखिरी चरण के प्रचार थमने तक सभी दलों का मेगा शो दिखा। आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने पूरा दमखम लगाया। पीएम मोदी पूरे दल बल के साथ वाराणसी में डेरा जमाए रहे, तो अखिलेश और राहुल गांधी ने भी प्रचार के आखिरी वक्त तक काशी की धरती नहीं छोड़ी। इस दौड़ में मायावती भी पीछे नहीं रही है। हम पुलिस वाले को सच्चे अर्थ में एक इंसान के नाते, एक सरकारी मुलाजिम के नाते सम्मान के साथ जिंदगी दिए, ऐसा काम करना चाहते हैं। आप तो गंगा मैया के बुलाने पर आए थे और हम तो बहुत पवित्र मानते हैं गंगा मैया को। हमने कहा खाओ गंगा मैया की कसम के काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। इसरो के लोगों ने रॉकेट भेजा मोदी जी कहते भैया मैंने किया। अमेरिका जाते हैं जी से घर मिलते हैं, उसमें शराब जी से कहते हैं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो मेरा यहाँ मैं जा रहा हूँ अमरीका। की बीजेपी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो कई कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। आखिरी और सातवें चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर जिले शामिल हैं। सातवें चरण में सबसे अधिक 24 उम्मीदवार वाराणसी कैंट सीट से हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार केराकट सीट से मैदान में हैं। करनाल के सग्गा गांव में घुड़चढ़ी को लेकर हुआ विवाद अब दलितों के पलायन की वजह बन गया। करनाल के सग्गा गांव से दलितों के पलायन का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें हैं कर्ण पार्क की, जहां दलित समाज के कई परिवार डेरा डाले हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सग्गा गांव में घुड़चढ़ी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। दलित समाज के मुताबिक दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें घुड़चढ़ी की रस्म को पूरा नहीं करने दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी। पीड़ित लोगों का कहना है कि गांव में उनका राशन पानी भी बंद कर दिया गया है, साथ ही पीड़ित लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। टंकी मारी पानी की बंद कर दी, दूध मारा बंद कर दिया, दुकान से सौदा हम नहीं ले सकते, डंगर मारे पैसे मर गए, 4 दिन हो गए हम भूखे से मर गए। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, प्रशासन के ऊपर भी कल चोट पेट हुई थी, 2 लड़के का मारे जी, मारे ना रोके जावा, मारे बच्चे अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, ये करते हैं आंधे धंधे पर मारपीट करते हैं, एक्सीडेंट कर करके मारते हैं हमारे बच्चों को, ऐसा होता जी। इनसे बातचीत करने के लिए मैंने इनको 2-3 बार आमंत्रित किया, लेकिन अभी तक ये पक्ष बातचीत के लिए आगे नहीं आया है। और अपनी मैंने इनको ये भी बोला है कि लिखित में आप अपनी शिकायत दे दीजिए, वो भी अभी तक लिखित में नहीं आई है कि क्या इनकी मांगे हैं। तो जो भी मांगे होंगी वो एक बार आ जाए सामने तो हम उनका समाधान जरूर करें। दलित परिवारों की दलील है कि पुलिस उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। गुरुग्राम में लाखों की पुरानी करेंसी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लाखों रुपए की पुरानी करेंसी को गुरुग्राम से रेवाड़ी ले जा रहा था। गुरुग्राम पुलिस ने बिलाव चौक से एक आरोपी को पुरानी करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 14,36,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी देशराज की गाड़ी से यह करेंसी बरामद हुई है, जिसमें 500 के 248 नोट और 1,000 के 1,312 नोट शामिल है। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर KMP एक्सप्रेसवे पर आरोपी को दबोचने में कामयाबी मिली है। बिलासपुर CID ने लगभग 14,36,000 रुपए के पुराने नोट पकड़े हैं। इसमें से 500 रुपए के 248 और 1,000 रुपए के 1,312 नोट हैं। ये पंचगांवा चौक है, नेशनल हाईवे 8 पे, उसके पास नाकाबंदी करके एक गाड़ी से, ऑल्टो कार से ये बरामद किया गया है। ये बंदा रेवाड़ी की तरफ जा रहा था, सूचना ये मिली थी कि एक उनको गुप्त सूचना की किसी गाड़ी में कोई पुराने नोट लेकर जा रहा है, तो उस बेसिस पे उन्होंने नाकाबंदी की थी। आरोपी सफेद गाड़ी में पुराने नोट लेकर गुरुग्राम से रेवाड़ी जा रहा था। हालांकि पूछताछ में फिलहाल आरोपी ने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास ये रकम कहां से आए और वो किसे सौंपने वाला था। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।
जम्मू कश्मीर के पहले स्मार्ट गांव बनने का तमगा हुबी गांव ने हासिल किया है, जिसके बाद आदिवासी इलाके वाला यह गांव शहरों को भी मात देता दिख रहा है। राजौरी जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर की दूरी पर यह जम्मू कश्मीर का पहला स्मार्ट गांव है। वेलकम टू हुबी गांव। तस्वीरें देखकर हर शख्स इस तरह ही अपने गांव को देखना चाहेगा। आदिवासी कहलाने वाला गांव आज उन सभी तमाम सुविधाओं से लैस है जो शहरों में मिलती है। सड़कें, स्मार्ट स्कूल, बिजली, पानी, ये सभी सुविधाएं इस गांव में हैं। साफ सफाई भी यहां देखते ही बनती है, और ये सभी मुमकिन हो पाया है राज्य मंत्री चौधरी जुल्फिकार की वजह से, जिन्होंने पहले स्मार्ट आदिवासी गांव का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री के मुताबिक वो इस तरह के तमाम पिछड़े गाँव को जहाँ तक सरकार नहीं पहुँचती है उन्हें विकसित करना चाहते हैं। आने वाले समय में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 3 फिल्में आने वाली हैं। आने वाले दिनों में डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम ने कॉमेडी फिल्म बनाने की बात कही है। जो दूसरों डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम अपनी आने वाली फिल्मों पर काम कर रहे हैं। बाबा की अगली फिल्म का नाम बर्थ है, जिसमें ये बताया गया है कि इस दुनिया का जन्म कैसे हुआ। इसके अलावा बाबा राम रहीम एक कॉमेडियन फिल्म भी लेकर आ रहे हैं, साथ ही हरियाणा की इतिहास पर आधारित एक फिल्म की शूटिंग भी जल्द शुरू होने जा रही है। यानी बाबा की 3 फिल्में पाइपलाइन में है। पवित्र वेदों पे कि ये दुनिया बनी कैसे, द बर्थ करके एक फिल्म का नाम रजिस्टर्ड हुआ है, और दूसरी है कॉमेडी, वो हमने एज ए चैलेंज लिया था बॉम्बे में। लोग कह रहे थे कि गुरुजी डबल मीनिंग के बिना हंसा नहीं सकते, तो हमने उनसे ये चैलेंज लिया था कि सिंगल मीनिंग में हंसा के दिखाएंगे। तो ये 2 फिल्में हमारे ख्याल में हैं, और तीसरी एक रियल स्टोरी हरियाणा की, अंग्रेजों के टाइम की, वो भी हमारे पास आई हुई और उसको भी हमने चुना था। बाबा राम रहीम का दावा है कि उनकी फिल्म हिंद का नापाक को जवाब को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस फिल्म के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना जागी है। इस दौरान डेरा प्रमुख ने उन लोगों को भी खरी खरी सुनाई जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। अगर चंबा के साहू मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से चंबा साहू मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो गया। अभी हम चंबा साहू मार्ग पे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है भारी लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ टूट के जो सड़क पे आ गिरा है और दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं और लोग कहीं आ जा नहीं सकते। यह है चंबा साहू मार्ग, जहाँ देखते ही देखते एक भूस्खलन के चलते पहाड़ी दरक गई और सड़क पर मलबा गिरा। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त सड़क के आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। दिल्ली हिसार के तापमान में कल के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि चंडीगढ़ का 27 और गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। हिसार का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें पंजाब की तो अमृतसर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। पटियाला और लुधियाना का भी तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। बठिंडा का तापमान भी 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं हिमाचल की बात करें तो मनाली में 14, शिमला में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, धर्मशाला में 20, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। शिमला और धर्मशाला के अधिकतम तापमान में भी तेजी दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।